तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आपके लिए कंप्लीट नेक्स्ट जेस और स्ट्रैपी के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स लेके आ गया हूँ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक ब्लॉग वेबसाइट बनाना। तो ब्लॉग वेबसाइट हम लोग स्ट्रैपी और नेक्स्ट जेस का यूज करके क्यों बना रहे हो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो फिग्मा के अंदर मैंने दोस्त के साथ मिलकर एक डिजाइन क्रिएट किया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हीरो इमेज है जो कि काफी कूल लग रहा है और इसके अंदर काफी सारे पोस्ट के कार्ड है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम लोग इस वेबसाइट को क्रिएट करने वाले हैं, ब्लॉग वेबसाइट को, और इसके ब्लॉग पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये जो आप वेबसाइट का डिज़ाइन देख रहे हैं वो धीरे धीरे करके हम लोग चेंजेस भी करेंगे, क्योंकि हम लोग को इसको बेहतरीन करके नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना है, ठीक है। तो कोर्स के साथ साथ हम इस वेबसाइट को एकदम अच्छा बनाते जाएंगे और इसमें धीरे धीरे करके न्यू फीचर ऐड करते जाएंगे। तो कोर्स के साथ अगर आप बने रहते हैं तो आपको काफ़ी न्यू चीज़ सीखने को मिलेगी, और अगर आप इसे सिंपल वीडियो समझ के स्किप करके चले जाते हैं तो आपका ही घाटा है, ठीक है। तो आप कोर्स के साथ बने रहेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए अब मैं आप बता देता हूँ कि मैं Next.js और स्ट्रैपी का यहाँ पे यूज़ क्यों कर रहा हूँ। तो सबसे पहला कारण है कि ये डिकपल्ड सिस्टम है, तो ये जो ब्लॉग वेबसाइट है वो पूरी तरीके से Jamstack पे बेस्ड है। तो Jamstack क्या होता है? तो Jamstack बेसिकली क्या होता है कि आपका जो भी बैकएंड है वो कुछ API जनरेट करेगा और उस API का यूज़ करके हम लोग स्टैटिक पेजेस जनरेट करके उसको CDN में होस्ट कर देंगे। तो जब भी कोई यूज़र उस पेज की डिमांड करेगा तो हम उसको पेज सर्व कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि हम लोग जो भी पेज स्टोर कर रखते हैं CDN में, वो काफ़ी तेज़ी से यूज़र तक आता है और उससे क्या होता है कि यूज़र को काफ़ी तेज एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग पेज को सर्वर साइड से जनरेट करते हैं तो थोड़ा डिले देखने को मिलता है, लेकिन स्टैटिक वाले में ऐसा कोई इशू नहीं है, जिससे काफ़ी तेज आपका जनरेट होता है और लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी इफेक्टिव यानी कॉस्ट इफिशियंट भी पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर बना दिया जाए, क्योंकि अभी आप ज़्यादातर वेबसाइट जो भी ब्लॉग वाला देखते हैं वो वर्डप्रेस के अंदर देखने को मिलता होगा। लेकिन वर्डप्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि उसमें डिज़ाइन करने में काफ़ी दिक्कत आती है कोई भी फ्रंट एंड इंजीनियर को। जैसे कि उसमें आप जाएंगे कोई भी चेंजेस करने के लिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन अगर स्ट्रैपी ये सब का यूज़ करेंगे आपको एक अच्छा API मिल जाएगा, तो आप फ्रंट एंड पे उसको पूरे अच्छे तरीके से कंट्रोल करके कोई भी UI अच्छे से बना सकते हैं। तो मेन यही फायदा आपको इस Jamstack के साथ देखने को मिलता है। तो इसलिए मैंने स्ट्रैपी और Next.js को चुना ताकि मैं आपको फास्ट परफॉर्मिंग वेबसाइट बना के दिखा दो, क्योंकि अभी ज़्यादातर वेबसाइट जो हो रहे धीरे धीरे इस पर स्विच कर रही है। तो अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी सीखते हैं तो आपको फ्यूचर में फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो चलिए इस कोर्स के साथ आप बने रहिए और मैं आपको हफ्ते में 3 वीडियो लाने की कोशिश करूंगा इस कोर्स के ऊपर, जो कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देगा। तो इसलिए मैं आपसे सिंपल सा गुजारिश करूंगा कि आप बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी सिंगल कोर्स का वीडियो मिस ना हो और आप सही तरीके से सब कुछ सीख पाएं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।